are you? A fucking god. What I want is to create peace and bring about justice. The pain is here, but the pain is in black. फायर मैक्स आ रही है, उसमें अपन लोग को अनलिमिटेड डायमंड मिलेंगे। गेम खेलने पे गेम में हेलीकॉप्टर भी आने वाला है, और तेरी बनी MP40 फ्री में, और एलाइट पास सीजन 2 भी फ्री में मिलने वाला है। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। हेलो देयर। तो हेलो भाई लोग, आप लोग का स्वागत है एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो देखो, जो अभी स्टार्टिंग में तुम लोग को दिखाया वो कोई मैंने बनाई हुई बातें नहीं, ये बातें अभी सर्कुलेट कर रही हैं हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं इस चीज़ पे, अगर आप लोग चाहें तो ढूंढ के देख भी सकते हैं। मतलब 9 साल की पब्लिक देखती भी है इन चीज़ों को और इस पर विश्वास भी करती है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद कुछ बच्चों को इस बारे में बात करते हुए देखा है, तब जाके मुझे एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मतलब कितना ज़्यादा जो है बच्चा पनती है यहाँ पर। तो गाइस, मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस में भी किसी को ऐसा भ्रम हो जाए, तो इसलिए ये टॉपिक पर अपन वीडियो बना रहे हैं। और आज मैं तुम लोग को सब कुछ बताऊंगा कि फ्री फायर मैक्स में क्या होगा, क्या नहीं होगा, डाउनलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, फ्री फायर वालों को क्या फायदा होगा, फ्री फायर वाले मैक्स वालों को क्या फायदा होगा, अगर फ्री फायर मैक्स डाउनलोड नहीं करते तो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, हर चीज़ में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्री फायर मैक्स पे बहुत सारे टॉपिक बन चुके हैं ऑलरेडी गाइज, और मैं चाहता हूँ मैं हर टॉपिक को कवर करूँ। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फ्री फायर मैक्स के बारे में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यार गाइज, देखो तुम लोग को सबको पता चल ही चुका होगा, पर फिर भी मैं तुम लोग को बता दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्लेयर साथ में खेल सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स के प्लेयर साथ में खेल सकते हैं, क्योंकि सर्वर हमारा सेम होने वाला है, भले ही हमारा गेम अलग होगा। ओके, सर्वर बिल्कुल सेम रहने वाला है, जिसकी वजह से एक सर्वर में अगर वो लोग खेलेंगे तो फिर ऑब्वियसली दोनों गेम के प्लेयर साथ में खेल सकते हैं। ओके, सिवाय फ्री फायर मैक्स का जो बरमूडा मैक्स करके एक मैप आने वाला है, उसके अलावा आप हर मैप को साथ में खेल सकते हैं। ओके, जो हमारी फ्री फायर नॉर्मल गेम में है वो सब। क्वेश्चन गाइस जो सब लोग पूछ रहे हैं वो है कि फ्री फायर मैक्स में जो भी प्लेयर खेलेगा उसे क्या नई आईडी बनानी पड़ेगी, उसकी जो फ्री फायर वाली आईडी उसका क्या होगा। तो नहीं गाइस, आप फ्री फायर की आईडी को कंटिन्यू कर सकते हैं फ्री फायर मैक्स की आईडी में बहुत ही आसानी से। ओके, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है भाई मेरे, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली किसी को भी दूसरी आईडी बनाने की, उसी आईडी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं फ्री फायर मैक्स में। अब जहाँ तक बात आती है हेलीकॉप्टर की, तो भाई मैं नहीं जानता इस बारे में, ठीक है। देखो लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं हेलीकॉप्टर के बारे में, कोई नॉलेज नहीं है हेलीकॉप्टर आने वाला है गेम में नहीं आने वाला है। आता है तो अच्छी बात है भाई, क्या ही कर सकते हैं अगर आता है तो। बाकी मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, 90% चांसेस तो है कि हेलीकॉप्टर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई हेलीकॉप्टर कंफर्म आएगा, भाई इतना ज़्यादा दावा कर रहे हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस बारे में। बाकी मुझे नहीं लगता कि हेलीकॉप्टर आ सकता है गेम में, ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। पैसा बर्बाद। तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर दे दिया, ताकि मैं मेन टॉपिक की तरफ बढ़ सकूँ। वो है क्या हमें फ्री फायर मैक्स डाउनलोड करनी चाहिए, क्या है वो चीज़ जो फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर से अलग करती है, और डाउनलोड करना चाहिए तो क्यों और नहीं करना चाहिए तो क्यों। तो गाइस, सबसे मेन जो चीज़ होने वाली है वो है ग्राफिक्स। ओके, फ्री फायर मैक्स सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की वजह से फ्री फायर से अलग होने वाली है। बाकी तुम्हारी हर चीज़, गन, कैरेक्टर, पैट, जितनी भी पे टू विन चीज़ें, वो सबकी सब सेम रहने वाली है, तो तुम्हारे गेम पर कोई असर नहीं होगा। जो तुम्हारा गेम फ्री फायर में है वही फ्री फायर मैक्स में रहेगा। बाकी फ्री फायर मैक्स में सिर्फ इतना होगा, आपके गन रिलोड करने का साउंड आएगा अलग, थोड़ा सा रिलोड करने का स्टाइल अलग होगा, भागने का स्टाइल होगा, गाड़ियों का थोड़ा अलग साउंड आएगा, ये सब चीज़ें। ओके, बाकी जितनी भी गेम के अंदर की जो चीज़ें, जो आपकी स्किल्स है, वो तो वही रहने वाली हैं जो है। अब इस बात कर लेते डिवाइस के बारे में, कि फ्री फायर मैक्स है तो भाई डिवाइस भी हाई चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, दोनों के बीच में 1 GB का फर्क पड़ रहा है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक 4 GB रैम वाला फ़ोन है, जिसमें फ्री फायर चलती है स्मूथली। अगर फ्री फायर मैक्स भी चलती है स्मूथली तो मैं फ्री फायर मैक्स खेलूंगा, नहीं तो मैं फ्री फायर रीइंस्टॉल कर लूँगा फ्री फायर मैक्स अनइंस्टॉल करके, ये मेरा प्लान है, ठीक है। और अगर तुम लोग सोचते हो कि घर पे आके झगड़ा करेंगे, हमको हाई एंड डिवाइस चाहिए फ्री फायर मैक्स खेलना है, तो तुमसे बड़ा चूतिया धरती पर कोई नहीं है। गाइस, कल आ गया था प्री रजिस्ट्रेशन फ्री फायर मैक्स का, सब लोग ने कर ही लिया होगा आई नो, अगर जिसने नहीं किया तो जाके कर लो, अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। नहीं
बात करते हैं गाइस, गरेना ने फ्री फायर मैक्स क्यों लॉन्च किया। अगर वो चाहते तो फ्री फायर को ही और ज्यादा अपडेट करके इसमें भी अच्छे ग्राफिक्स ला सकते थे, पर क्यों नहीं। तो गाइस इसके पीछे एक रीजन है कि जो लोग फ्री फायर खेलते हैं उन लोग के पास डिवाइसेस अच्छे नहीं है, ठीक है, सबको पता है ये बात। और इसीलिए गरेना नहीं चाहती थी कि अगर वो अपनी पुरानी गेम को ही अपडेट कर देंगे तो वो बंदे कहाँ जाएंगे जिनके पास हाई एंड डिवाइस नहीं है। इसलिए फ्री फायर मैक्स लॉन्च हो रही है उन बंदों के लिए जो कि दूसरी गेम से आते हैं और उनको ग्राफिक्स अच्छे नहीं लगते और फिर वो गेम को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि BGMI का कोई प्लेयर आएगा तो भाई अब उसको ग्राफिक्स नहीं पसंद आएगा तो वो गेम छोड़ देगा ऑब्वियसली। इसलिए जो है करीना वाले फ्री फायर मैक्स ला रहे हैं उन बंदों के लिए जिनको हाई ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है, उन लोग के लिए ही स्पेशली फ्री फायर मैक्स को लॉन्च किया जा रहा है। नहीं तो अगर करीना चाहती तो फ्री फायर को भी अपडेट कर सकती थी, पर ऐसा नहीं किया गया, उल्टा फ्री फायर मैक्स को लॉन्च किया जा रहा है। जो सबसे मेन रीज़न इसके पीछे वो यही है। अब गाइस तुम लोग बोलोगे कि भाई तूने इतनी लेट वीडियो क्यों डाली इस टॉपिक पर, तो देखो गाइस मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई गलत चीज़ बोलूं और ऐसा कुछ हो आगे पीछे तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैं चाहता था कि पहले प्री रजिस्ट्रेशन आ जाए प्ले स्टोर पर, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी मेरी वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट थी पहले से ही, क्योंकि मैंने पहले ही इस वीडियो को पूरा कर लिया था, पर मैंने अभी अभी कुछ न्यू पॉइंट्स भी डाले इस वीडियो में और अब जाके मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो तुम लोग के लिए किया, अगर पसंद आया तो लाइक मारो, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो यार, और अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पर तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं तुम लोग को रिप्लाई जरूर दूंगा अगर मैं दे पाया तो। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो में, टिल देन बाय बाय। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग।